डॉक्टर B.S. देसवाल यहाँ पर वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज में, जो कि एक सब इस इलाके में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें एज ए मेडिकल स्टूडेंट कार्यरत हूँ। तकरीबन 2 साल से ज़्यादा मेरा तकरीबन टाइम हो गया है। इससे पहले मैंने MBBS किया था PGIMS रोहतक से और आर्मी ज्वाइन किया। FMC पूना से मैंने MD किया और PhD किया कम्युनिटी मेडिसिन में, और यूनाइटेड नेशंस के साथ भी मैंने काम किया 4 साल। और पूरा दूसरे कंट्रीज़ में काम करने के बाद मैंने आर्मी सर्विसेज में और आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पूना में टीचिंग का जॉब भी किया, और वहाँ पर मैं प्रोफेसर तक अपग्रेड होके उसके बाद मैंने आर्मी जैसे छोड़ा था, उसके बाद यहाँ पर मैं हरियाणा के मेडिकल कॉलेज में कार्यरत रहा हूँ। और ये वर्ल्ड कॉलेज में मेडिकल सुपरिटेंडेंट का ज्वाइन करने से पहले भी मेरा 20 साल से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहा है। फैसिलिटीज़ हमारी और एरिया से हम काफ़ी फैमिलियर हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है या लोकल पीपल्स हैं, जो पॉपुलेशंस हैं, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करें। हमारा हॉस्पिटल आयुष्मान स्कीम के में भी जो है कार्यरत है और इम्पैनल्ड है। ये हमारे पास सारी सहूलियतें हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक 25 बेड का बहुत बढ़िया एमरजेंसी और एक्सीडेंट डिपार्टमेंट है, जिसको हम कैजुअलिटी या एमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट भी कहते हैं, जिसमें 24 घंटे सारी सुविधाएं मौजूद हैं। 2 वहां पर कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर हम हर समय जो है तैनात रखते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे पास एम्बुलेंसेस यहाँ हमेशा कैजुअलिटी डिपार्टमेंट के अंडर काम करती हैं, और बाकी जो हैं जैसी सहूलियत हमारे को ज़रूरत पड़ती है, हम उसको उनको पेशेंटों को घर से भी, जैसे डिलीवरी केसेस को आने में प्रॉब्लम है और हमारे को कोई भी सूचना मिलती है तो हम उसको घर से भी सुविधा प्रदान करते हैं, ताकि हॉस्पिटल में आने की कोई सुविधा उनको सारी मिल सके और ट्रांसपोर्ट की कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि डिलीवरी के बाद या जैसे और दूसरे इमरजेंसी ऑपरेशन के बाद यदि डिस्चार्ज करने में भी यदि मरीज़ के पास कोई साधन नहीं है या सुविधा नहीं है, तो हम हॉस्पिटल से उनको पूरी ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फुल फ्लेज मेडिसिन डिपार्टमेंट है, जिसमें हमारे सारे स्पेशलिस्ट हैं। उसके बाद जो है हमारे पास पेडिटिक्स के डिपार्टमेंट हैं, जिसमें हमारे पास सीनियर प्रोफेसर और सारा डिपार्टमेंट है, और ट्यूटर से लेके रेजिडेंट से ले कर पूरा स्टाफ जो है, और 90 बेडेड और जो पेडिटिक्स वार्ड में जो हमारा डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसको हम चमड़ी विभाग या स्किन डिपार्टमेंट भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास साइकेट्री के जो प्रोफेसर्स और दूसरे हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं, वो जो हैं हमारे को 24 घंटे यहाँ अवेलेबल होते हैं। हमारे पास सर्जरी डिपार्टमेंट है, जिसमें फुल फ्लेज तकरीबन 150 बेड हमारे बाद हमारे पास जो हैं ऑर्थोपेडिक्स का डिपार्टमेंट है, आई डिपार्टमेंट है जिसको ऑप्थेलमोलॉजी भी हम कहते हैं, कान नाक गला विभाग जिसको ENT भी कहते हैं, वो भी हमारे पास जो हैं हमारे जो डीन साहब हैं वो ENT के माने हुए स्पेशलिस्ट हैं, और जो हैं उनको दूर दूर से उनके जो पेशेंट्स हैं यहाँ हॉस्पिटल में सेवा लेने के लिए आते हैं। और हमारे पास जो हैं गैस की सुविधाएं हैं, गैस प्लांट हमने लगाया हुआ है, अपनी गैस भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं। इस तरह हमारे पास जो हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट फुल फ्लेज्ड और एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट जो हमारे पास जो हैं लार्ज OTs जो हैं काफ़ी हैं, और माइनर OT भी हैं, और प्रोसीजर रूम भी हैं। खाना जो है मरीजों को मोस्टली फ्री प्रोवाइड करते हैं। अब कैंटीन की सुविधाएं हैं, आउटरीच अप्रोच जिसको हम बोलते हैं, कम्युनिटी में जो सर्विसेज के लिए हमारा हॉस्पिटल तत्पर रहता है, और टाइम टू टाइम समय से एक समय से दूसरे समय हम बार बार जो हैं कम्युनिटी में कैंप लगाते हैं, उनके जो हैं हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम चलाते हैं, और कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट की तरफ से और बाकी हॉस्पिटल और बाकी स्पेशलिस्ट के मल्टी स्पेशलिटी कैंप भी लगाते हैं, जहाँ पर जो रिलीजियस फंक्शंस हैं, दूसरे फंक्शंस हैं या कहाँ गैदरिंग होती है, तो वो लोग जो हैं हम लोग भी उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करते हैं और वो अप्रोच भी करते हैं, तो हमको पूरी सुविधा प्रदान करते हैं। एम्बुलेंस से लेके मेडिसिन भी जो है हम पूरा मुफ्त में जो है वहाँ पर इलाज जो है देते हैं जो वहाँ पर होते हैं, और जो रेफरल जिनको आगे जो सुविधा है उनको हम रेफर करके वहाँ से उनको जो है शॉर्ट लिस्ट करके अगले दिन जो है गाड़ी भी देते हैं, ताकि वो जो यहाँ पर आ सकें। जैसे मैंने यूनाइटेड नेशन में जब काम किया था तो 52 कंट्रीज़ के करीब मैं काम कर चुका, जिसमें पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और USA तो था ही था जहाँ पर मैं बेस था, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, दूसरे जो एडवांस कंट्रीज़ हैं लाइक UK, तो उनमें जो सुविधाएँ मैंने देखी हैं, हॉस्पिटल विजिट किए हैं एज ए पार्ट ऑफ दैट टाइम एज ए यूनाइटेड नेशंस,
तो मैंने जो उनसे भी जो अच्छी चीज़ें लगी हैं हम अपने हॉस्पिटल में उसको और कार्यरत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी मॉडर्नाइजेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा बढ़े। और गवर्नमेंट से भी जैसे हमारे सिविल सर्जन हैं, दूसरे हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनके कोऑर्डिनेशन में हम कर रहे हैं। जैसे अभी हमने नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम में काम किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्टिफाइंग ऑफिसर भी लगाया कि भाई आप सर्टिफाई करिए कि जो है ट्यूबरकुलोसिस कैसा काम हो रहा है। और हमने सिविल सर्जन के साथ और जो बाकी टीम के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके उनको पूरा पूरा गाइड किया है और सर्टिफाई किया है और पार्टिसिपेट भी किया है ताकि जो इंडिया है वो टीबी मुक्त हो जाए और ताकि हम उसमें अपना सहयोग दे सकें। और हमारा मेडिकल कॉलेज का उसमें पूरा सहयोग रहता है, जो भी स्टेट टास्क फोर्स है उसकी भी मीटिंगें हम अटेंड करते रहते हैं। और बाकी जो जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट चला रही, खासकर मैटरनल चाइल्ड हेल्थ है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और सारे जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है हम स्ट्रॉन्गली इम्प्लीमेंट करते हैं और एक मॉडल के रूप में उसको पेश करने की कोशिश करते हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई हमारे देश में पूरा जो है हेल्थ का एनवायरनमेंट अच्छा बने और जितने भी नेशनल प्रोग्राम है खासकर हरियाणा में हम अपना योगदान दे सकें और उसमें विशेषकर झज्जर का जो है सबसे अच्छा काम हो। थैंक यू वेरी मच।